हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छवि गर्ग। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस बीए एलएलबी के फर्स्ट सेम में है, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है। तो आज हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो स्टेट से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है पॉलिटिकल साइंस में। एक तो स्टेट का मीनिंग पता होना चाहिए, इसके मेन मेन एलिमेंट पता होने चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट है। और कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लेते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और सोसाइटी के बीच में, और स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है। तो आप मेन मेन थ्योरीज पढ़ लीजिए या दो थ्योरीज भी कर लीजिए, तो आपसे पूछते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। तो स्टेट में आप उसका मीनिंग, एलिमेंट, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी और स्टेट के दो थ्योरी आप अच्छे से कर लीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि मेरिट और डिमेरिट्स बताइए, ये किस किस के होते हैं। एक तो डेमोक्रेसी के, डिक्टेटरशिप के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी तो आपकी इनसे करेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, कभी कभी मेरिट या डीमेरिट पूछी जाती है। अगर आपने इनके मेरिट डीमेरिट किए हैं तो उसी में से आप जो है करेक्टरिस्टिक्स निकाल के लिख सकते हैं। आपको अलग से करेक्टरिस्टिक्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने सिर्फ डेमोक्रेसी कर लिया, डेमोक्रेसी के मेरिट कर लिए और डेमोक्रेसी के डीमेरिट कर लिए, तो जो डिक्टेटरशिप होता है वो डेमोक्रेसी का उल्टा होता है। तो आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके जो डेमोक्रेसी के डीमेरिट हैं वो डिक्टेटरशिप के मेरिट बन जाएंगे, और जो डेमोक्रेसी के मेरिट हैं वो डिक्टेटरशिप के डीमेरिट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए, आपने अगर सिर्फ डेमोक्रेसी के मेरिट डीमेरिट कर लिए तो डिक्टेटरशिप अपने आप हो जाएगा, और इनकी करेक्टरिस्टिक पूछी जाती है तो वो भी अपने आप हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन याद करने से आप तीन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। इसी तरह से आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट डिमेरिट पूछे जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट डिमेरिट आपसे पूछ सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, यूनिटरी और फेडरल। हमारे देश में क्वासी फेडरल है, कुछ सिस्टम आपके यूनिटरी के होते हैं, कुछ फेडरल के होते हैं। तो आपसे दोनों सिस्टम के मेरिट डिमेरिट पूछ लिए जाते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक भी पूछ सकते हैं, करेक्टरिस्टिक पूछते हैं तो भी मेरिट डिमेरिट याद है तो उससे लिख सकते हो। और जो यूनिटरी के मेरिट है वो फेडरल के डिमेरिट हो जाते हैं, और यूनिटरी के डिमेरिट जो है फेडरल के मेरिट हो जाते हैं। तो सिर्फ आप एक सिस्टम के मेरिट डीमेरिट कर लो, दूसरा सिस्टम के अपने आप हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर लगता है। आपसे लिबर्टी का मीनिंग पूछ लिया जाता है, लिबर्टी कितने टाइप की होती है, लिबर्टी और इक्वालिटी में क्या रिलेशनशिप है। फिर आपसे पूछ लेते हैं अथॉरिटी किसे कहते हैं, और पावर और अथॉरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, इसमें से एक ना एक टॉपिक आपसे पूछा ही जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के लिए पूछा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको जब हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, मीन्स। तो आपको बताना है पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन के कौन कौन से मीन्स होते हैं, और पब्लिक ओपिनियन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है पावर एंड फंक्शन। तो हमारे जो गवर्नमेंट के होते हैं तीन ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इन तीनों में से किसी के भी पावर और फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, क्यों स्वतंत्र होना चाहिए। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स का, तो इसमें फीचर ऑफ सोशलिज्म कर लीजिए कि सोशलिज्म के क्या फीचर्स हैं,
एक आपका, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, और ये साइंस है या फिर आपके लिए आर्ट है। एक आपसे पूछ लेते हैं, पॉलिटिकल और लीगल सॉवरेंटी में क्या डिफरेंस है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग बताइए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। एक आपसे सर्वोदय और गांधी के बारे में पूछा जा सकता है। और लास्ट में आपका होता है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद जिसे बोलते हैं, तो इस पे भी आपका शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो सिर्फ आप ये 8 क्वेश्चन कर लीजिए, आप देखेंगे आप सारे सिलेबस को बहुत ही जल्दी कवर कर लोगे और एग्जाम में भी आप काफी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।